गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, इन द गिवन फिगर लाइन्स पी क्यू पी क्यू एंड आर एस आर एस इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे को काटना एट पॉइंट ओ। यहाँ पे ओ पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल वन इज इक्वल टू 53, अब एंगल वन की वैल्यू क्या है, 53 डिग्री। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, हमें 2, 3 एंड 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट। कि आपको विजिबल होगा कि ये पी क्यू एंड जो आर एस है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। सो एंगल वन, उसके सामने एंगल कौन सा है, 3। इनके आपस में रिलेशन क्या है, ये आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 डिग्री एस एंगल 1। अब हमें मिल गया एंगल 3 कितना आ गया, 53 डिग्री आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है 2 एंड 4। अब आप ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 एंड 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट थे, तो एंगल 2 एंड 4 भी तो आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे एंड इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे की फाइंड हो जाएगी। चलो हम 2 की फाइंड करते हैं। ये आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन रही है जिस पे 1 एंड 2 एंगल्स हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो कैसे लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखना है, लीनियर पेयर। सो एंगल 1 की वैल्यू है 53 डिग्री, एंगल 2 की हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 170 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 127 डिग्री, राइट। अब एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, ये हमें पता है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे भी रीजन लिखना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 127 डिग्री। और फिर आपको लास्ट में लिख देंगे सबका आंसर, एंगल 2 इज इक्वल टू 127 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारा क्वेश्चन फाइंड करना है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।